सोमवार को सोमवारी जाम और महानगर को जाम की झाम से मुक्ति दिलाने व महानगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम में लगाए गए ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का ADG जोन अखिल कुमार ने औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। जिस तरह से जनपद में बदलाव आ रहा है, बदलाव इसी प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी विषयों पर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि महानगर के 21 चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चौराहे पर कोई भी आदमी रेड लाइट को पार करता है तो उनके खिलाफ ऑटोमेटिक चालान कटेगा। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ITMS के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं, ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन हो सके। निरीक्षण के दौरान SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज राय, ITMS के अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, ये आप दे देना, मीडिया को भी रिलीज कर देना कि वहाँ चेक किया गया। ये हमें जॉमन थामा साहब को अखबार से पता लग जाएगा कि जंप किए हैं, अभी तो उनको 4 दिन बाद। अच्छा, अब ये चालान आपने कट दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ चालान हो गया? मैं इसलिए RTO ऑफिस की जिम्मेदारी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो नंबर सिंकिंग और मैसेजिंग सही ढंग से हो। सर वहाँ भी जैसे बात है 19 से पहले के कुछ डेटा, 19 के पहले के नाम बाद में भी है, वहाँ पे फ्रॉड ये चल रहा है, जगह है उसमें 2-4% हर जगह। अब आपको जो मेजर चीज करानी है सर, मेरा दर्द सुनिए सर, कितनी समस्या है। 17 चालान करते हैं सर, 17 चालान कल किए, एक मैच्योर हुआ सर। या नहीं सारे फ्रॉड होंगे या अपडेटेड डेटा नहीं है? एक तो वो डेटा सिंकिंग, दूसरा ये कि जिन लोगों का चालान गया उन लोगों का कोर्ट से नोटिसेस पहुंचे, कोर्ट से नोटिसेस निकलवा के अभियान चलाना पड़ेगा कुछ दिन तक, तभी उनको एहसास होगा कि वॉलेट किए। फिर मैंने बोला छोड़ो, देखा जाएगा नोट, है ना। किसी साहब ने, समझ वकील साहब ने समझा दिया कि हम देख लेंगे, तो फिर अपना बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नोटिस आएगा भागेगा शरीफ आदमी। जो लिमिटेशन है उनको दूर करने पड़ेगा। स्पीड तो चलिए तभी निप जाएगा। ये देखिएगा अब जैसे ये चौराहा देखो, यहाँ ये किस किस जगह का है? ये मधेपुर का जैसे बाकियों में चल रहा है, किसी ने ओपन कर लिया होगा। उधर से देखिए लोगों, जिनको नहीं आना चाहिए उधर वाला रेड होगा, वो सब चले आ रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले को राइट मोड़ना है, वो सबसे लेफ्ट में था इसलिए वो अपना लगा हुआ है। अरे देखिए ना, उधर से भी रिक्शा साइकिल आ रही है, उनके बंद होंगे अभी भी ग्रीन है, बट ये बंद हो गया। ये लोग इधर का अप्रोच खोल दिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो मैनुअल कर दिया है क्या? फिर वो हाथ से खड़ा है ना, प्रेशर अगर वो देखता है तो बीच में मैनुअल भी कर देता है। अगर उसे लगता है कि इधर जाम प्रेशर बढ़ रहा है
सर हो क्या रहा है ना, जैसे उसमें से 15 सेकंड ये लोग खा जाते हैं, तो जो अगला अप्रोच खुलने वाला है उसमें सिर्फ 15 सेकंड ही बचेगा, उसमें फिर गाड़ियां वही आके स्टक हो जा रही है। ये मेन इशू आ रहा, हमने दो बार चौराहे पे चाहिए इनके साथ चलाया कर दिया जी, जी जी नहीं हमने ये चला के दो बार चेक किया सर, वही फेस हो रहा है, बट लोग क्या रहा, थोड़ा सा एम्बर पे रुक नहीं रहे, एम्बर के बाद मतलब 3 सेकंड हमने 4 सेकंड दिया एम्बर देखते रुक जाना चाहिए कि पीली लाइट हो गई है थोड़ा रुकना है हमें, नहीं वो पीली लाइट पे और स्पीड वाला पकड़ लेते कि अब रेड होने वाली है हम लोग जल्दी से निकल जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे अब ये बोलेरो निकली थी इसके बाद अगला 3-4 गाड़ी ऐसे करते हुए 50-60 गाड़ी ट्रेन पकड़ के वो भी निकलने लगती है, इनके रुकते रुकते जैसे ही रेड हुआ ये लोग फिर भी 10-15 सेकंड खा जाते हैं, तो ये चौराहा छोटा है, अगर 15-20 अगर वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो गई तो फिर अगला इसके अगला ये कचहरी चौराहा है उसका ट्रैफिक तब तक पहुंच जाएगा, सामने लगा होगा उसके आपके कार, हां सर वो सामने उधर से लगा होगा, वो लोग देख ले होंगे ये आ जाएगा सर वहां पे रेड पे, अगर वो रेड पे होगा सारा आएगा सर, ये रेड लाइट पे आप लोग पीछे हो जाइए, चालान होगा चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन व जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रोकें, पुनः कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि जेब्रा रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को जेब्रा लाइन व स्टॉप लाइन के पीछे रोकें, जिन वाहन को दाहिने जाना है कृपया बायां लेन बाधित ना करें, बायां लेन खाली रखें, अपने ही लेन में वाहन चलाएं, पर आप लोग स्टॉप लाइन से आगे खड़े हुए हैं, आप लोगों की गाड़ियां कैप्चर हो गई हैं, आप सभी लोगों का चालान हो चुका है, आप लोग अपनी गाड़ियां पीछे कीजिए, स्टॉप लाइन के पीछे आइए, गणेश चौराहा, और भविष्य में आप लोग ध्यान रखें कि स्टॉप लाइन से पहले ही रुकना है, स्टॉप लाइन के आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का चालान हो जाएगा, जो काम करो उनका नाम तुम्हारा नहीं होगा भाई, चिंता ना करो, देख लेना भाई, गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है और ख़ास करके जिस तरह से इसका स्वरूप तेज़ी से बदल रहा है, ट्रैफिक की यहाँ एक समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है, ख़ास करके सोमवारी जाम का एक बड़ा नाम यहाँ फेमस है, ना केवल सोमवार को यहाँ पर अन्य दिनों में भी, बिकॉज ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा इनडिसिप्लिन ट्रैफिक है, लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने की उतनी जानकारी नहीं है, इन्फोर्समेंट हमारा ख़राब रहा है, इन सभी विषयों को सामूहिक रूप से देखने से और उसका निस्तारण बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इस दिशा में एक अच्छा पिछले कुछ दिनों में काम हुआ जहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शहर में लगाए गए हैं, ऐसे 13 महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है जहाँ इंटेलिजेंट कैमराज लगे हुए हैं और टोटल 21 चौराहों पर CCTV लगा दिए गए हैं, जैसा अभी आप लोग भी देख रहे थे, इन चौराहों पर कोई भी आदमी अगर ट्रैफिक लाइट्स को वॉयलेट करता है, हर आदमी की व्हीकल्स कैप्चर हो रही हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है और उनके घर ऑटोमेटिक चालान अब थोड़े दिन में ही अगले वीक से पहुंचने लगेगा, उनके डेटा सिंक हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ से चालान कैप्चर होगा लोगों के यहाँ पहुंचने पड़ेगा, उसी को थोड़ी जागरूकता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भ्रमण का उद्देश्य भी यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि अब वो समय आ गया है कि वो वायलेशन ना करें, अभी जिस तरह से चौराहे पे दिख रही है ट्रैफिक, लोग एकदम अनकंसर्न हैं और आंख मूंद के बिना पालन करके जा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जब हमने अनाउंस किया चौराहों पे कि आप अपनी गाड़ियों को पीछे लें तो लोग उसको रिकग्नाइज़ किए कि हाँ वॉयलेट हुए और पीछे आने की भी कोशिश किए, तो ट्रैफिक नियंत्रण एक सतत और रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है, इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं और हाल में लगातार ट्रैफिक पर हमारी जो टीम है जिला प्रशासन की और ट्रैफिक की वो काम कर रही है और उसमें सुधार परिलक्षित हो रहा है, परंतु बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि किस प्रकार हम ITMS को ठीक ढंग से फंक्शनल करें और शहर में इसका इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी भी जागरूकता होगी लोगों को चालान मिलने लगेंगे तो वायलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो इसी दिशा में इस पूरे व्यवस्था को और कारगर ढंग से किस प्रकार हम योजनाबद्ध ढंग से लागू कर सके इसलिए विजिट किया गया था और इससे कुछ लर्निंग्स आए हैं जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे।